नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखें समाज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट होगा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हिंदी का आप ये प्रैक्टिस करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करो, चाहे सीटेट की कर रहे हो, ये देखिए हिंदी आपका सीटेट के लिए हो जाएगा, आपका फिर आपका टीईटी हो जाएगा, एसटीईटी हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया आपका एग्ज़ाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, फिर आपका बिहार दरोगा हो गया। ठीक है, बिहार दरोगा हो गया, एमपी व्यापम हो गया आपका, ठीक है संविदा हो गया, टीटी हो गया, फिर आपका एमपी पुलिस हो गया, ठीक है यूपी पुलिस हो गया, एसटीईटी हो गया। बहुत सारे एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेट करके आप क्या करते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल पर जरिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं एक बात बता दूँ कि डेली हमारी 8 बजे साइंस 8 PM, ठीक है 8 PM डेली साइंस का लाइव टेस्ट होता है, आप वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे आप रेलवे NTPC जो भी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलता है, आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सा समास होगा। ठीक है, फिर मार्क्स बताइएगा कि पूरा क्वेश्चन देखने के बाद आपका मार्क्स कितना में कितना आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे में कौन सा समास है, आपको 30 सेकेंड का टाइम मिल रहा है, आप वहाँ पर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अव्यभाव समास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अव्यवी भाव समास हो जाएगा। शब्द धीरे धीरे में अव्यवी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो दोस्तों, अव्यवी भाव हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम अव्यवी भाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्यवी भाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि समास एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणि अर्थात विष्णु में बहुव्रीहि समास है, जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बने तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जब दो पद या दो शब्द मिलके आपका एक दूसरा विशेष रूप धारण करता है, उसे हम क्या करते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। जो आपका बहुव्रीहि समास है, निश्चय में से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबको बताना है कि इसका उदाहरण कौन सा है, कौन सा उदाहरण होगा, बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण होगा, उदाहरण कौन सा है आपका दिया हुआ है। पंचवटी है आपका, करोड़पति है, चतुर्भुज है और चरण कमल है। कौन सा इसका हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। जैसे चतुर्भुज मतलब हो गया 4 भुजा, जिसकी अर्थात ठीक है विष्णु जलज हो गया, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर कितना हो गया, चतुर्भुज हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो दोस्तों बताना आपको कि राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तथा कर्ता व संबोधन को छोड़कर की विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच लुप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि पंचानन में कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास और डी है द्विगु समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन का अर्थ है 5 हैं आनन अर्थात संकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है दोस्तों। 6 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का पथ भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता तथा दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए,
तब वहां पर तत्पुरुष समास होता है। नामों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, यहाँ अपादान कारक है, अतः यहाँ अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है दोस्तों, बताना आपको कमेंट में आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, सी कर्मधारय समास, और डी है तत्पुरुष समास। 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिस समस्त पद में पूर्व संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद के समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। इसी प्रकार चौपाया, पंचवटी, पसेरी, त्रिगुण, द्विगुणु समास के इसका उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाचस्पति में कौन सा समास है। वाचस्पति में कौन सा समास है दोस्तों, आंसर इसका बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि वाचस्पति में कौन सा समास है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको कमेंट कर में इसका आंसर बताना है। ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है दोस्तों, इसमें आपका सी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। युधिष्ठिर अलुक तत्पुरुष समास है, जिस समास में विभक्ति का लोप ना हो अलुक समास होता है। युधिष्ठिर का अर्थ युद्ध में स्थिर, जिस समास के पहले पद में निषेधार्थक या अन्य शब्द का प्रयोग होता है उसे नत्र समास कहते हैं, जैसे अनस्रा हो गया, अनुसूचिता हो गया, अगिता हो गया, अनागता हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, द्विगु, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। अब मैं बता रहा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। 8 उपाध्याय है जिस अर्थात अष्टाध्यायी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो मैंने पहले भी बता दिया था बहुव्रीहि समास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन 100% आपका आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि गोबर गणेश में कौन सा समास है। गोबर गणेश में कौन सा समास है दोस्तों, गोबर गणेश में कौन सा समास है, ये भी आपका एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन का 5-6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि गोबर गणेश में कौन सा समास है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, सी हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। गोबर गणेश यह करण तत्पुरुष समास है जिसका समास विग्रह है गोबर से निर्मित गणेश, जबकि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है गंगा घाट, गंगा घाट का तट, तथा अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है आप बीति, आप पर बीति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है दोस्तों, आपको कर्मधारय समास हो जाएगा इसका। देशांतर में कर्मधारय समास है, देशों के बीच जितनी डिग्री दूरी है तो उसे देशांतर कहते हैं, अर्थात देशों के बीच का अंतर। ठीक है, चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन है, पहला कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 3 वेणियां मिलती है जहां, अर्थात त्रिवेणी में बहुव्रीहि समास है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं बहुव्रीहि समास कहता है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, दशमुख हो गया, नेक नाम हो गया, लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, जिस समास का प्रथम पद पद विशेष। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपका है दिया हुआ, ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला तत्पुरुष समास है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। इसमें गाय के लिए शाला रहने वाला स्थान, शाला प्रधान पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जल्दी में कौन सा समास है। जल्दी में कौन सा समास है दोस्तों, इसका आंसर बताना आपको। जल्दी में कौन सा समास है, जल्दी में देखिए कौन समास हो जाएगा आपको,
तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल्दी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसका विग्रह होगा जल को धारण किया हुआ, इसमें कम कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगदान में तत्पुरुष समास है जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें योग का दान संबंध तत्पुरुष का लोप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव में कौन सा समास है? 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि गुरुदेव में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है गुरुदेव में कौन सा समास है। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। जिस समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद का उत्तर पद को हो विशेष विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। इस समास में विग्रह करने पर दोनों के मध्य में जो या के समान आदि शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है दोस्तों, बताना आप कौन सा इस कमेंट में। परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। जिस समास के विग्रह में समान अथवा जो आता है वह समान कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसमें दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? महाजन में इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि बारह सिंघा में कौन सा समास है? बारह सिंघा में कौन सा समास है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? बारह सिंघा में ये आप आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुव्रीहि समास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकंठ में कर्मधारय समास है जब किसी विशेष और विशेष का अथवा उपमान और उपमेय द्वारा सामासिक पद बनती है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इसके और भी उदाहरण जैसे आपका मेघनयन हो गया, पदारविंद हो गया, नीलकमल हो गया, निरुत्पल हो गया, आदि बहुत सारे समास हैं। तो हम यदि आपको कोई दिक्कत है समास में कमेंट में बताइए, फिर हम समास का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भर पेट में कौन सा समास है दोस्तों? भर पेट में कौन सा समास है दोस्तों? क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, अव्ययीभाव भाव समास हो जाएगा। भर पेट का समास वगैरह भर पेट होता है, भर पेट होता है। इसमें अव्ययीभाव भाव समास है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अथवा अव्यय होता है तथा यही प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर लाएंगे, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन समास के आसपास हमारे पास उपलब्ध है। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।